हेलो फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट विद विनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उससे पहले दो मिनट आपसे बात इसलिए करना चाह रही हूँ बिकॉज एक साल हो गया है हम लोगों को साथ में जुड़े हुए और मैंने अपनी शुरुआत वेस्टर्न आर्ट की टाइमलाइन से करी थी, है ना। और उसी में मुझे बहुत फीडबैक मिला और फिर उसको मैं फॉलो करती हुई आज तक अभी तक, क्योंकि वेस्टर्न आर्ट के वीडियोज़ हम लोग देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी में लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि और वेस्टर्न आर्ट इसलिए भी चुना था मैंने बिकॉज मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी थी। हमारे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे महान श्रेष्ठ सर मैडम हैं जो कि बहुत बढ़िया वीडियो इंडियन आर्ट्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न आर्ट की कहीं कमी लग रही थी इसलिए वेस्टर्न आर्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सब लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन बस एक जो आप सबका डिमांड थी कि जिस तरह से वेस्टर्न आर्ट की टाइमलाइन बनाई गई है उसी तरह से इंडियन आर्ट की भी टाइमलाइन बनाई दी जाए, जिससे कि जो कि इतना वास्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत टफ था मेरे लिए। वेस्टर्न आर्ट बहुत कंसाइज रहता है और इंडियन आर्ट को हमको बहुत जगह से लेना पड़ रहा है और बहुत विस्तार में है, तो उसको कैसे एक साथ एक टाइमलाइन में दे, तो बस उसी की एक छोटी से प्रयास आज किया है। और मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियो सिर्फ जो कि एग्जाम प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही लोग नहीं देख रहे हैं, जो लोग क्लियर कर चुके हैं वो लोग भी देखते हैं, तो उन लोगों से भी बोलूंगी और आज जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए भी बोलूंगी कि प्लीज़ आज की वीडियो एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी इन द सेंस इंडियन आर्ट को हमने एक कहानी की तरह पढ़ के देखिए, वो बहुत आसान हो जाएगी। सब बहुत घबराते हैं, मौर्य पीरियड क्या है, शुंग पीरियड क्या है, कुषाण काल का है, राजस्थानी पेंटिंग का है, बिल्कुल मतलब मिसमैच कर देते हैं और परेशान होते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं करनी। आज मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि प्लीज़ आप लोग इसको एक कहानी बन के सुने, एक अपने आपके दिमाग में 24 घंटे आपकी एग्जाम रहती है और उसी से आप लोग क्वेश्चन और ये सब में लगे रहते हैं, लेकिन और होना भी चाहिए। लेकिन आज बस एक रिक्वेस्ट है, सब लोग जो कि नया तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं वो भी, मेरे साथ इस कहानी को जिए आप, और एग्जाम को साइड में रख के सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए, अपने आप आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है क्योंकि सब लोगों की बहुत इच्छा थी, तो आइए हम आज की अपनी इंडियन टाइमलाइन शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं भारतीय कला की संपूर्ण समय सीमा। समय सीमा टाइमलाइन, जिसको आप हमेशा से यही बोल रहे थे कि हमें टाइमलाइन दीजिए तो हमें समझ आए कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो बस हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। प्लीज़ उससे पहले इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट्स इनसे रिलेटेड हो या कुछ कमेंट हो वो भी आप मुझे इसमें दे सकते हैं। लेकिन अब अपन ये बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा एग्ज़ाम को आप लोग साइड में रखेंगे और एक कहानी सुनने की कोशिश करेंगे, अपने आप देखना, इट्स माय गारंटी कि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएगी, चाहे वो राजा के नाम हो चाहे वो समय हो, याद हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्ज़ाम को साइड में नहीं रखूँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, अपने कोई भी सिलेबस हो ऑलमोस्ट सब चीज़ भारतीय कला में एक सी है, है ना, एक सी है मतलब सब कवर्ड है, कोई भी छूटा नहीं है। तो आपको इसी को चीज़ को शुरू करते हुए मैंने मुख्यतः मोटे मोटे एक तरह से ढांचे में बोलेंगे इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, आदिकाल से लेके बुद्ध पीरियड, गुप्त पीरियड, प्री मेडिवियल, मेडिवियल, लेट मेडिवियल, मॉडर्न। अब जो चीज़ हैं दोस्तों, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये अपने अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार बनाया है, और बहुत जगह पे चीज़ें अलग भी होती है, कहीं प्री मेडिवियल कहाँ से शुरू हो रहा है ना, कौन सी चीज़ें कहाँ ली, कहीं लेट मेडिवियल नहीं है, मेडिवियल ही है ना, जो वो सब चीज़ें चित्रकला, मूर्तिकला, आर्किटेक्चर की दृष्टि पे अलग अलग हमें दिखाया गया है। लेकिन हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस पूरी चीज़ में मैं आपको आपकी पेंटिंग, आर्किटेक्चर और मूर्तिकला सबको कवर्ड करवा दूँगी, कि आप लोग को उसको देखना ही नहीं है, आपको मोटे तौर पर इन चीज़ों को टाइमलाइन पर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी एग्जाम की बात इसलिए कर ली अपन ने, अब हम लोग, मैं पहले कहानी को शुरू करूंगी और आफ्टर दैट अपन देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, वो वाली चीज, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य आदि कला था, लेकिन उससे पहले पहले पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा वापस और बात करते हैं कि कहानी को शुरू कर रही हूं यहां पे कि चीजें आई कहां से, मतलब कि हम कहाँ से आए, मनुष्य कहाँ से आया। तो ये आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, जैसे एज़ोइक टाइम था सबसे पहले, है ना, एक वैन आया और फिर मीज़ोज़ोइक, सॉरी पैलीज़ोइक, जिस समय पेड़ पौधे ये सब आए,
फिर मेसोजोइक जिस समय रेप्टाइल्स आए, फिर सेनोजोइक जब मैमल्स आए। मैमल्स में ही कौन आया? वन मानुष। कौन आया? वन मानुष। वन मानुष आप समझते हैं आदि मानव, जैसे हम कह रहे हैं जिनकी आदिकाल की कला हम लोग देखने वाले। तो वन मानुष देखिए, जैसे कि धरती पे हम आए तो वन मानुष आया ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो वन मानुष से हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे, जो हमारा सर्वप्रथम देखिए आप वो चीज़ है आदिकाल की कला, जिसमें जिसको तीन भाग में मुख्य है, प्रागैतिहासिक कला, प्रोटो हिस्टोरिक जिसको हम सभ्यताओं का समय बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये वाली बात होती है सिंधु घाटी सभ्यता वाली, और प्राक मौर्य पीरियड जब हम मौर्य पीरियड जो हम उसके पहले का जो जितना समय टाइम वेद वाला जो टाइम रहता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य पीरियड के बीच का समय को हमने टोटल एक प्राक मौर्य पीरियड में ले लिया, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं आदिकाल में, सबसे सर्वप्रथम प्री हिस्टोरिक, इसको आप बोलोगे आदिकाल को 30,000 से चालू किया, यहाँ पे 400,000 क्यों लिखा है? वो इसलिए लिया है, बिल्कुल क्वेश्चन वाजिब है, वो इसलिए लिया है क्योंकि किस बुक में मिलियंस ईसा पूर्व टाइम से शुरू हुआ है प्रागैतिहासिक काल, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, है ना। पहले उसको जैसे 50,000 ईसा पूर्व से पहले का समय को स्टोन एज कहते थे, सिर्फ जनरल स्टोन एज बोल देते थे क्योंकि कहते हैं कि बहुत और पहले से धरती मिले ना साक्ष, जब से साक्ष मिले तब से आप टाइम मानना चालू हो, इसलिए बहुत बुक में ये वाली चीज़ कहीं 30,000 है, कहीं 20,000 है, सॉरी 20 तो नहीं होगी, कहीं 50,000 है, कहीं ऐसे करके क्यों चेंजेस है, कहीं मिलियन है, 2.5 मिलियन BC है, क्यों है? क्योंकि पुरानी वाली चीज कहां से शुरू हुई है वो सब लोग अलग अलग मानते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन ध्यान देना है कि वन मानुष आ गया भैया आपका, है ना, फिर कहानी पे आ जाओ। वन मानुष आ गया है और वन मानुष ने सर्वप्रथम आया, एग्जिस्टेंस देखा अपना, अकेला रहा और क्या किया, तो प्रकृति ने उसे अपनी घर में रखा, एक तरह से प्रकृति निर्मित गुफाओं में वो रहने लगा, वो चीजों को समझने तो नहीं लगा, जानवर उसे मिले उसमें उसको समझ जाने लगा, शिकार वाली चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई 25,000 BC से, है ना। तो इसलिए माना जाता है कि पैलियोलिथिक के समय के साक्ष जो हैं दक्षिण से मिले हैं ज़्यादा, और उसमें क्या है, उसमें पत्थर हैं अलग अलग तरह के और हड्डियां हैं, है ना, और क्या है, तो अभी कुछ रीसेंट एक्सकेवेशन से ऐसा भी पता चला है कि मध्य प्रदेश के इधर मोरेना के वहाँ 25,000 BC का कुछ चित्र भी मिले हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है भीमबेटका में भी कुछ अवशेष माना जा रहा है कि पूरा पाषाण काल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्षेत्र में समझना है, कैसे क्वार्ट्जाइट स्टोन, क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते थे इन समय को, क्योंकि क्वार्ट्जाइट स्टोन के उसमें रहते थे ये लोग, है ना, और बहुत चीज़ें हैं जो पूरा पाषाण औजार की खोज हुई, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब आते हैं हम मीज़ोलिथिक के मध्यकाल क्या है। मध्यकाल सबसे पहले तो एक ब्रिज भी है, है ना, पुरानी चीज़ को नई चीज़ से जोड़ने के लिए, जब एकदम वन मानुष आया और एकदम से कैसे हम लोग गुफा बना के रहने लग गए या हम कच्चे मकान बना के रहने लगे, ऐसा तो नहीं होता ना, बीच का समय भी होगा, तो वही बीच का समय एक तरह से मध्यकाल है, जो कि हम लोग वेस्टर्न में भी चीज़ें देखे हैं, एक बार उसको याद कीजिए, वेस्टर्न की टाइमलाइन नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसकी पूरी कहानी बताइए प्रागैतिहासिक से कैसे लोग समझने लगे, सभ्यता में रहे, प्लस फिर उनके धर्म आए, मतलब ईश्वर जिनको वो पूजते हैं, वो एक डाइटी हमारे बीच में रहने लगी, फिर उनका धर्म चला, धर्म में फिर कला को कैसे यूज़ किया, फिर कला से कैसे सब परेशान हो गए धर्म से एक तरह से, और मतलब कुछ अलग हटके करना चाहते थे, फिर अलग आंदोलन किया, इस तरह से हम उस चीज़ को समझ गए और बिल्कुल बहुत अच्छे से सबको याद हो गया, ये मैं जानती हूँ। उसी चीज़ को भारत में भी समझना है और बहुत आसान है, हम भारतीय हैं यहीं रहते हैं। तो मीज़ोलिथिक के जो बीच का समय था, पूरा पाषाण और नव पाषाण को जोड़ दिया इसने, है ना, इस समय वो उसी पत्थर को, जिस पत्थर को से वो आग जलाते थे, आग का निर्माण इस समय ही हुआ, ठीक है, आग जलाते थे, तो उसी पत्थर को वो लोग शेप देने लगे अपने प्रोटेक्शन के लिए, जंगली जानवर से और जो चीज़ें से प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ें करने लगे, है ना। और इसी चीज़ों की बातें हम करते हैं कि जैसे प्रतापगढ़, भीमबेटका, यानी अब ये थोड़ा सा दक्षिण से हटके और जगह पे भी सेंटर्स मिलने लगे, ये समय पे आने लगे, है ना, यहाँ पे यूपी, एमपी, इधर जगह पे भी चीज़ें मिलने लगी। अब आते हैं नवपाषाण पे। नवपाषाण क्या था कि व्यक्ति, एक तो प्रजनन आंदोलन का समय जो मैंने आपको वेस्टर्न आर्ट में समझाया था, मनुष्य को ये समझ आने लगा कि भाई औरतों को, औरत अलग है
और पुरुष अलग है। दूसरी चीज़, हमें उनको उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है ना, वो नाजुक होते हैं। उसके लिए फिर वो लोग क्या करने लगे कि औरतें घर रहेगी, पुरुष कार्य करने जाएंगे। औरतें घर रहेंगी तो घर रहने के लिए अब कुछ तो ज़रूरी है, तो उसके लिए वो लोग केव्स अपने हाथ से बनाते थे, गुफाओं का मतलब, गुफाएं क्या बोलेंगे, कच्चे मकान होते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पत्थर से बनाने लगे थे, ये चीज़ें करने लगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ गई कृषि और पशुपालन। उनको समझ आने लगा है कल तक जिस वो एनिमल्स को हम लोग मारते थे वो हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे जैसे, उनमें भी हमारे जैसा वो है, हमारा वो प्रोटेक्शन भी करेंगे, वो हम उसको पाल भी सकते हैं, उनमें भी इस तरह की फीलिंग्स हैं। ये चीज़ें करके पशुपालन चालू हुआ, अब रहने लगे, खाना पीना, तो कृषि चालू हुई। ये सारी चीज़ें नवपाषाण में 10,000 ईसा पूर्व के समय से कहते हैं चालू होने लगी, और उसके अवशेष 3,000 और इवन कहीं कहीं 300 तक दे रखें, है ना, नवपाषाण सभ्यता जहाँ तक चली, वो सब चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, उसी के सेंटर्स फिर ये लोग रहने लगे, देखो गुफा बनाई तो चित्रांकन करने लगे, उसमें जो भी उनका थॉट्स रहते थे, कभी कुछ चीज़ में वो लोग मानते थे कि हमारी धार्मिक दृष्टि है ना, पूजा है ना, कुछ चीज़ है कि सिंपैथी, अरे किसी का शिकार कर दिया तो उसकी याद में वो लोग उस एनिमल्स को बना देते थे, कि मैं ऐसी बहुत सारी मानते, कुछ जादू टोना समझते थे कि हम इनको बना देंगे तो कल हमको इसका शिकार मिलेगा, ऐसी बहुत चीज़ें हैं, और इसलिए पेंटिंग्स बनाने लगे थे उसी गुफाओं में। उसके बहुत हमको सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मेहरगढ़, यूपी, एमपी, पूरे जगह पे, भारत के एक तरह से सब जगह पे फैल चुके थे, है ना, मुख्य केंद्र एमपी है, एमपी में सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक केंद्र मिले हैं, है ना, बलैरी, यूपी, राजस्थान, अलनिया क्षेत्र में है, पहाड़गढ़, ऐसी सारी चीज़ें जगह पे हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, पेंटिंग्स के, और कुछ कुछ चीज़ें जो है थोड़ी बहुत वो चीज़ें हमको आपको मिली हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, अब यही अंतर हो गया था कि जो पूरा पाषाण में सिर्फ दक्षिण में वो मिले थे, वहाँ के जो साक्ष्य मिले थे, आज नवपाषाण में हमने क्या दिया, पूरे भारत में मिल गए, है ना, पूरे भारत में ऑलमोस्ट सब जगह फैल गए। तो मनुष्य कहते हैं वहीं से आया था और फिर धीरे धीरे वो फैलने लगा, ठीक है। तो ये तो आ गई थी हमारी प्रागैतिहासिक काल, अब वो लोग समझने लग गए कि कैसे रहना है ना, उनको समझ आने लगा पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, चीज़ें कैसे रहनी है हमको, हमें कार्य करने जाना है, औरत घर पे रहेगी, ऐसी सभ्यता बन गई एक तरह से, सभ्यता बनी। तो यही पीरियड हमारा कहलाया, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक भी बोल सकते हैं, हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता देख सकते हैं, क्योंकि हम भारत का देखें, जो मैंने आपको वेस्टर्न में बताया था कि लोग समझने लगे कि हमें साथ में रहना, नदियों के आसपास सभ्यताएं बनने लगी, सभ्यताएं मुख्य सभ्यता मिश्र, मेसोपोटामिया, नील और सॉरी नील नहीं, चीन की पीली नदी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये मुख्य सभ्यताएं हैं हमारे यहाँ की, और इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता भारत पाकिस्तान की सभ्यता है, जिसको हमें भारतीय कला में पढ़ना रहता है, ठीक है। अब ये है, ये कहाँ पे था, तो थोड़ा सा देखिए, ये आप देखोगे ये सब क्या है, क्योटा सिविलाइजेशन, झोब नदी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब में मुख्यतः आती है ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके केंद्र, मुख्य केंद्र मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और राखीगढ़ी, बनावली और अन्य क्षेत्र हैं जो हमारे भारत में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं ना। अब बोलोगे ये सब क्या है, तो ये सब भी दोस्तों आता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही, अपन ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, लेकिन जिस जगह से कुछ अलग अवशेष मिलने लगे तो उसको ऐसा नाम दे दिया, जैसे झोब सभ्यता तो झोब नदी के उधर थी, है ना, ऐसा देखते हैं उसको आगे। एक बार ये मैप पे समझ लो कि ये जो है हमारी, मैं बता रही हूँ एक सेकेंड, ये मोहनजो ये सभ्यता थी, ये कहाँ, भारत के अब इस क्षेत्र में एक तरह से लोग रहते होंगे। मोहनजो हड़प्पा में क्या मिला आपको पता है, प्रतिमाएं सॉरी पत्थर के स्टोन्स के वो सब मिले, मूर्तियां मिली, बर्तन भांडे मिले, यही चीज़ें मोहनजोदड़ो में मिली। एक तरह से हम गाँव की चीज़ें रह रहे थे, एकदम बिल्कुल देसी उसमें लेके, कैसे हम शहरी में आए, ये वाली चीज़ अब सभ्यता में आ गई, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक में लेते हैं, जिसको हम सिंधु घाटी में लेते हैं। मोहरे मिली, जिसमें कि कुछ इंडस स्क्रिप्ट, सिंधु स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कुछ सिम्बॉलिक फॉर्म में, जैसे कि हेरोग्लाफिक सैनिफॉर्म में है, वैसी ही चीज़ें यहाँ भी है। तो ये चीज़ें मिलने लगी। दूसरा,
एक व्यवस्था आ रही है ये, है ना। ये सभ्यता क्यों बनी, एक व्यवस्था जीवन की समझ आने लगी, बड़े बर्तन मिले, टॉयज खिलौने मिले, ज्वेलरी मिली, है ना। जो मूर्ति मिली थी नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो की, वो उसमें भी ऐसा अलंकृत मूर्ति मिली नर्तकी की, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस समय मिली और आपको समझ आने लगा कि अब ये रहना कैसे हमें एक्चुअली, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आप बोलोगे कि वो सारी सभ्यताएँ क्या थी, तो वो भी जैसे हड़प्पा है, क्वेटा सब, जोब नदी है। जोब नदी क्या है, तो ये हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ही जोब नदी जा रही है, जोब नदी है शायद, जो नदी जा रही है उसके उधर की सभ्यता, उसको जोब सभ्यता थोड़े समय के लिए हाईलाइट हुई होगी, तो उसमें अपन ने ये दे दिया। और कुछ ऐसे चीज़ें भी मिली, जैसे देखो क्वेटा सभ्यता क्या है, बलूचिस्तान, उत्तरी बलूचिस्तान का जगह, तो उसको क्वेटा सभ्यता नाम दे दी, है ना। उसमें से खूब चीज़ें मिली, जैसे इनके ये मिला था बिना सर की मूर्ति मिल गई, कहीं सिर्फ सिर मिल गया, है ना, और कहीं हड्डियां मिली है, कहीं आभूषण मिले हैं ऐसा। अमरिंदर लाल देखो तो ये भी कहाँ, पिंडी, लोही, गाजीशाह, शाह हसन, ये सारी एरिया हैं जो कि भारत, भारत में तो नहीं है ये, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें आते हैं। जोग सभ्यता जोग नदी के पास उत्तर बलूचिस्तान में, कुली में ही तो कुली क्षेत्र हरियाणा, ये आपको पता है इस जगह पे है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथावली ये वाली जगह जो है, ये अभी आपको मैप में दिखा चुके। झुंकड़ झांकर सभ्यता मतलब चाणूदड़ो नवाजा, यहाँ की झुंकड़, उसके बाद की सभ्यता झांकर सभ्यता कहलाई। तो ये सभ्यताएं थोड़ी सी देखनी है, इसका टाइम भी देख लीजिएगा आप लोग लास्ट में, मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल नहीं करके ये चाहूँगी कि जो मैं अपने मन से बोल सकूँ, है ना। ये चीज़ें तो लिखी हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी थी सभ्यता, लोग जीना सीखे, लोग रहना सीखे, समझ में मतलब, है ना, मनुष्य जो आया था वो रहना सीखा। अब आगे देखते हैं कि अब कहानी में आगे क्या परिवर्तन आता है वो देखते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि अभी तक हम पत्थर पे जी रहे थे, है ना, लेकिन अब जो युग आया वो धातु युग हो गया। धातु युग मतलब मेटल्स मिलने, मेटल्स मिले। तो सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता था कि दक्षिण के साइड तो है वुड से, जो सॉरी जो स्टोन पीरियड था ना, प्रस्तर युग के बाद ही लोह युग आ गया था। लेकिन जो वाली चीज़ें जो अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी, तो सिंधु घाटी ईस्ट में इधर था, तो यहाँ पे क्या ब्रॉन्ज मतलब कांस्य कांस्य युग आया, इधर कॉपर युग आया वेस्ट में, है ना, और उसके बाद लोह युग सब जगह आ गया था, ठीक है। तो इन पीरियड्स के समय जब ये होता है, आपको ये भी पता होगा कि वेदों का निर्माण हुआ। अब प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या देखा था, एक मिनट, वेदों का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, एक देखिए, हमने ऋग्वेद में देखा है वेद का निर्माण हुआ, सर्वप्रथम ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये एक मिलता है कि इस समय दशयुद्ध हुआ था। दशयुद्ध मतलब 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। अब क्या है, लोग अलग अलग, पहले तो कहीं भी बस रहे थे, उनको समझ नहीं आ, अब समझ बढ़ गई, भाई मैं राजा कि तू राजा, कौन राज करेगा, किसकी सब सुनेंगे, कोई किसी की नहीं सुनता, मनुष्य हैं। तो ये चीज़ें लड़ाई वगैरह ये सब जो भी ना हो, एक मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, है ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो उसके लिए जो है ऋग्वेद से हमको पता चला था, क्या पता चला था कि युद्ध हुआ था, दश युद्ध हुआ था, कुछ राजा, कुछ जो नदियों के आसपास जो रहते थे उनके बीच में, जिसमें कि एक थे भरत, जिसको हम बोलते हैं दुष्यंत शकुंतला के पुत्र हैं वो, ये बोलते थे, ठीक है। और थे सुदास, जो कि विश्वामित्र की फैमिली से थे जैसे, है ना। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था ओवरऑल 10 राजाओं के बीच में, और जो जीते थे वो थे भारत, कौन थे, भारत। और उन्हीं ने इस पूरे जो अपने भारत वंश को नाम दे दिया था भारत, उस समय अब भारत का नामकरण हो गया, भारत बन चुका है, ठीक है, इंडिया में। अब भारत को आप याद करो तो भारत वही थे जिनने कुरुवंश की स्थापना की थी। महाभारत तो अभी लॉकडाउन में सबने देखी होगी, तो आपको पता है ना, कुरुवंश जो पांडव आपने देखे हैं, उन्हीं के पूर्वज हैं भारत, है ना, कुरुवंश की स्थापना की थी जिसने। अब हम आ जाते हैं, अब हमने पूरे भारत का वो देख लिया, अब हमको एक चीज़ केंद्र करना है यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ करना है हमको, मगध, मगध पे हम अपना सारा ध्यान को लेके आना है। उससे पहले हम क्या बोलेंगे कि जैसे आप याद करो, जब भारत पांडव हमने महाभारत में देखा, उसी में आए थे एक शिशुनाग, कौन थे, शिशुनाग, ये थे, है ना, जब श्री कृष्ण में आपने देखा है कि शिशुनाग को उन्हें 100 गुना माफ़ किए थे, वो वाली चीज़ होती ना, तो शिशुनाग ने, शिशुनाग डायनेस्टी मगध एरिया पे उस समय थी, है ना, शिशुनाग। अब वही चीज़ आ जाती है कि क्या हुआ था, एक मिनट फिर आते हैं, मगध एरिया में शिशुनाग डायनेस्टी थी, तो उसके बाद माना जाता है
के उसी शेषुनाग डायनेस्टी उन्हें बताई थी, उस शेषुनाग डायनेस्टी को हटा के आया था नंद एम्पायर। कौन आए थे? नंद। नंद ने शेषुनाग को हराया और अपनी वो बनाई। और फिर उसके बाद 323 ईसा पूर्व, क्या टाइम था? 323 ईसा पूर्व में महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे आए और उन्हें नंद वंश को हरा के मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब मौर्य वंश से हम लोग, जिसको हम बुद्ध पीरियड नाम कहेंगे, उससे शुरू करेंगे। उससे पहले जो है नंद वंश, शिशुनाग वंश, ये वाला जो पूरा वैदिक पीरियड का टाइम था, वो वैदिक पीरियड का टाइम आपको इसमें पढ़ना है, जो कि है प्राक मौर्य पीरियड, जिसको मैंने ये नाम दिया है, आप चाहें तो जो दे दें, है ना। प्राक मौर्य पीरियड, जो कि मौर्य पीरियड के पहले का समय था, जब जिसको आप नंदवंश, कहीं कहीं आपको आर्ट उस बुक में नंद शेषुनाग डायनेस्टी उसका आर्ट मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। उसी समय जोगीमरा की गुफा को कोई मौर्यकालीन बोलता है, लेकिन कोई हजार ईसा पूर्व के समय का भी बोलता है, तो आप इसको भी इसी में निपटा लो, पेंटिंग में के अंतर्गत आ रहा है ये। ठीक है, तो इस समय एक चीज़ देखो, तो इसमें पढ़ना क्या होगा भाई, इस समय क्या कलाकृतियाँ हुई? तो इस समय आपको याद है 563 ईसा पूर्व का समय, ये इसी समय आएगा, ये इसी वेद नंद शेषुनाग डायनेस्टी, सॉरी नंद डायनेस्टी में ही आएगा। और इस समय गौतम बुद्ध आए थे धरती पे, है ना, बुद्धिज्म का देखा उनने फिर जब अपना परिनिर्वाण लिया, उसके बाद जो है आपको पता है 8 मेन स्तूपों का निर्माण हुआ था। उसके जो कुछ अवशेष हैं, जैसे कि पिपरवा, घोष्टराम, है ना, नौनिया, नंदनगढ़ का क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आएगी और आपको पढ़ना पड़ेगा। पिपरवा सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसको मौर्य पीरियड से पहले का है, रिसेंट एक्सकेवेशन में ये मिला है। ठीक है, तो उसके ये कुछ सेंटर्स हैं, उनके बारे में जो थोड़ा बहुत जितना आपको समझ आता है वो आप लोग को देखना पड़ेगा। अब हम आ गए थे कि जिसको बुद्ध पीरियड नाम से कहते हैं, अब हम आ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी है मगध पे, मौर्य वंश की स्थापना कर दी है, उनका उनकी मेन राजधानी पाटलिपुत्र है, ये भी हमने देख लिया। अब बुद्ध पीरियड को एक बार फिर से आगे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि पे। बुद्ध पीरियड ये है, उसको इतनी भागों में देख लिया है, देखिए मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, ये सब देखेंगे, टेंशन ना लो। अजंता, अजंता को क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि अजंता अब शुरू हो चुकी, मानते हैं 200 BC से अजंता शुरू हो गई है और 600 AD चालुक्य वंश तक चलेगी। ठीक है, तो इसलिए उसको मैंने ओवरऑल सबके साथ ले लिया कि अजंता की जो पेंटिंग वाली चीज़ है वो सब आपकी इसमें आ जाएगी। लेकिन आगे हम देखेंगे कि कौन सी गुफा किस समय की है, वो वाली अपन अलग अलग उसको अजंता को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपना मौर्य वंश पे, आ जाओ वापस, कि क्या हुआ था 323 ईसा पूर्व में। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने ये इधर पाटलिपुत्र मगध यहाँ पे अपना राज्य वश करके, और फिर धीरे धीरे देखिए ये सब चंद्रगुप्त कोस्ट है, ये सब पे अपना राज्य बना लिया था, है ना। इस समय अब क्या हुआ, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अपने राजा रानी उसके लिए रहते थे, कार्य करते, राजप्रसाद का निर्माण करवाया, बहुत महल जहाँ पे वो रहते थे, एक तरह से जहाँ सभाएं होती थी, वो लकड़ी के बने थे, अब ध्वंस हो चुके, अब कुछ नहीं मतलब। ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्य कराया, अच्छे राजा माने जाते हैं, मौर्य कला के संस्थापक हैं। इनके बेटे आए, इनके बेटे कौन, बिंदुसार, है ना, ये आए तो ये शांत स्वभाव के, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं उठा पटक करनी उस टाइप के थे, और शांति से कार्य करना है बस, बहुत है, ज़्यादा उनका एज वो शासन का चला भी नहीं। फिर आते हैं हम लोग जब उन्हीं के पौत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हो गए, सम्राट अशोक आए। ठीक है, सम्राट अशोक आए और इनने क्या किया, ये यहीं पे थे, यहाँ के राजा बने, लेकिन इनको अखर गई चीज़, क्या अखरी, कि भाई ये वाली एरिया क्यों छूटा हुआ है, है ना। ओवरऑल मौर्य एम्पायर पता है आपको, यहाँ तक पूरा अशोक ने अपना एरिया कर लिया था, है ना, थोड़ा सा नॉर्थ छूटा था बस, तो ये एरिया क्यों छूटा हुआ, ये एरिया है आपका कलिंग एरिया, जिसको ओडिशा बोलते हैं, है ना, ये एरिया क्यों छूटा हुआ है, ये तो इसी को लेने के लिए जब मगध, ये वाली चीज़ छूट गई थी चंद्रगुप्त के समय, लेकिन अशोक ने इसी पे आक्रमण किया और कलिंग वॉर हुआ, कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध हुआ दोस्तों, तो इतने लॉस हुई जान की, जीते अशोक ही थे, किंग वही बने थे, लेकिन जान की बहुत वो हुई। तो अब अशोक अच्छे खासे राजा हमारे, है ना, बिल्कुल दयावान तो है ना, मतलब अच्छे इंसान है वही, अब ठीक है, वो तो सिर्फ राजनीतिक है, अब जो चीज़ें चल हो गई
अब भुलाए नहीं भूल रही, दिमाग में इतनी चीज़ें आ गई कि यार कितना लोगों की जान गई, कितना लॉस हुआ, ये वो ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ गई। तो अब आपको पता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर आप जाएँ, तो आप कहीं मैं ना ईश्वर की ओर रिलीजियस से जुड़ें तो आपको मन में शांति मिलेगी। तो फिर यही चीज़ें जो है अशोक, किंग अशोक ने क्या किया, बुद्धिज्म की तरफ अपना लिया, है ना, बुद्धिज्म प्रिवलेंट था उस समय, अपनाया और उसकी तरफ गए। और उसके लिए उनने फिर क्या किया, सबसे पहले स्तंभों का निर्माण करवाया, 30-40 स्तंभ बनाए हैं इनने, है ना। उसका एक कैसा वो रहता था कि वो एक वो भी मेमोरियल के तौर पे बनाए हैं ये सारे सेंटर्स पे, सारनाथ, सांची, नंदनगढ़, रामपुरवा, इलाहाबाद, इस तरह की बहुत जगह उनका कुछ एक कॉमन आपको पता है ढांचा भी होता था, है ना, किस तरह से मोनोलिथिक शाफ्ट बनाया, उसके ऊपर जो शीर्ष है वो कैसा है, उसमें कैसे मनुष्य वो सॉरी एनिमल्स आएंगे, कौन से हाथी हैं, सिंह हैं, बुल है और घोड़ा है, ये चार उसमें आपके शीर्ष पे रहते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको सारी टोटल बहुत बढ़िया तरीके से देख लेनी है। फिर आते हैं हम स्तूप पे, तो स्तूप का निर्माण भी उनने जहाँ जहाँ बुद्ध के एक तरह से चीज़ें हैं ना, मतलब वो आठ जगह वो तो है, उनको ले लेके और भी जैसे उनकी कुछ भी निशानी के तौर पे उनने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, ठीक है। साथ ही साथ राजप्रसाद तो करवाया, ये पटना कुमराहर, ये वो जगह है, देखिए पटना कुमराहर जब वो आए थे, चीनी फाहुम आए थे ना, तो उन लोगों ने ऐसा ये पाया था जब 5वीं-6वीं शताब्दी में आए थे, तो इन लोगों ने पाया था यहाँ पे कि ये उनकी एक्चुअली तारीफ़ भी करी थी, चंद्रगुप्त के समय भी जो आए थे चीनी वो उनने तारीफ़ करी थी कि ये विश्व में ऐसा राजप्रसाद कहीं नहीं इस प्रकार का बनाया था। और यहाँ पे सर्वप्रथम अवशेष मिले हैं पटना कुमराहर, जो कि वो भी पाटलिपुत्र पटना के पास में ही है, पाटलिपुत्र ये सबसे पुराने एक्सकेवेशन यहाँ मिले थे और जो कि ध्वंस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पत्थर और चीज़ें मिली ना वो पॉलिश्ड थी, कैसी थी, पॉलिश्ड। और उससे उनको समझ आ गया कि इसका रिलेशन मौर्य पीरियड से, क्योंकि ये मौर्य पीरियड की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, राजप्रसाद उसका भी निर्माण हुआ, वो सब ध्वस्त हो चुकी है, वो बात अलग है, ठीक है। स्तूप का निर्माण कराया सांची में, सांची में कैसा स्तूप करवाया उन्हें, तो ईंटों का बनवाया था, एक मेधी पे बस अंडा, है ना, लेकिन निर्माण तो अशोक ने करवाया था, ये चीज़ें सब करवाई। गुफा मंदिर बनवाए भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, गुफा मंदिर कहाँ पे, बाराबर नागार्जुन की उसमें जो गुफा मंदिर है, है ना, उसमें लोमशृषि गुफा, उसके कैसा एंट्रेंस बनाया, कैसे कार्विंग वाला एंट्रेंस है, और सुदामा गुफा, ऐसी बहुत सारी जो हैं, विश्वकर्मा गुफा, ये सब गुफाएं इसके अंदर आप लोग को देख लेनी है। तो ये चार चीज़ें तो आपकी मुख्य थी, और एक ये मुख्य आते हैं मूर्तिकला पे, पेंटिंग का ऐसा कुछ नहीं है मौर्य में, वो क्या है भाई, तो मूर्तिकला मिली दीदारगंज से यक्षी, अब देखो ये वाली चीज़ें कहाँ, डोली हाथी ये ओडिशा में मिला है, ये वही मथुरा बिहार, ये वाली सब एरिया मौर्य पीरियड में आ रहा था, और यहां से हमको कुछ प्रसिद्ध जो मूर्तियां मिली उसकी स्टडी आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। तो ये था हमारा मौर्य पीरियड की बात। वापस आती हूँ थोड़ा सा पीछे उसी मैप पे, देखिए अब इस पे आप मान लो, एक मिनट, जो मौर्य पीरियड है ना वो यहाँ तक पूरा मौर्य एम्पायर था, लेकिन लास्ट राजा था बृहदत्त मौर्य का ही, और उसी के सेना में एक सेनापति थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, क्या था, पुष्यमित्र शुंग, उन्हीं ने बृहदत्त को हरा के शुंग एम्पायर का शुंग एम्पायर की स्थापना करी थी, जिसको हम शुंग काल के नाम से जानते हैं, लेकिन शुंग काल का एरिया कुछ तो भी यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था एमपी, बरहूत, बोधगया यहीं पे, है ना, और सांची, ये सब ये एरिया था, लेकिन उसी समय है ना मौर्य एम्पायर बहुत बड़ी थी, अब मौर्य पे उसको ख़त्म किया तो लड़खड़ा गई, वो लड़खड़ा गई, तो यहीं पे एक तो इधर तो शुंग का स्थापना हुई, और ये आंध्र रीजन में आंध्र राजाओं ने जो सतकर्णी शक इनने आंध्र एम्पायर का जिसको हम सातवाहन काल से भी बोलते हैं उसको इनॉग्रेट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मौर्य के बाद ये दो उस ऊपर वाले साइड पे शुंग और नीचे वाले साइड पे जिसको कहते हैं सातवाहन आंध्र पीरियड आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैप के जरिए इसलिए कि आपको समझ आ जाए कहाँ क्या हो रहा था। तो शुंग पीरियड में भी क्या हुआ, देखिए पुष्यमित्र शुंग पंडित ब्राह्मण थे, लेकिन बुद्धिज्म को अपोज नहीं किया उनने, साथ में किया, जो चीज़ चल रही थी वो चल रही थी। तो बुद्ध के समय क्या है, जो स्तूप अशोक ने ईंट से बनवाया
था उसको स्टोन से बनाया, उसको और अच्छे से करा। दूसरी चीज़ तोरण द्वार भी बनवाए, लेकिन वो तोरण द्वार लकड़ी के थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, जो अभी प्रेजेंट हैं वो शुंग पीरियड में नहीं बने थे, ठीक है। तो ये बनवाया था, साथ ही साथ यहाँ भी गुफाएं मिली है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफा, सांची बरहुत बोधगया कहते हैं, यहाँ पे स्तूप बनवाए गए और ये स्तूप ये मेन सेंटर भी हैं शुंग पीरियड के। और साथ ही साथ बरहुत कीप में ही जैसे शाल भंजिकाएँ, जातक कथाएँ, यक्षकिनाए जो वेदिकाओं में भी यूज़ किए होंगे ना, उसकी भी मूर्तिकला वो आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। बोधगया से हाथी, इंद्र, इनकी मूर्ति प्राप्त हुई है। सांची में भी जो तोरण द्वार की जितनी टूटी फूटी चीज़ें वो थी, वो सब चीज़ें हमें शुंग पीरियड की प्रतीत होती है, ठीक है। ये तो था हमारा शुंग पीरियड। अब हम आ जाते हैं सातवाहन पे। सातवाहन के बारे में यही देख रही हूँ, बता दिया मैंने आपको, अब वो मैप की ज़रूरत नहीं है, उसी में बता दिया था। तो सातवाहन आपको पता है आंध्र रीजन में इन राजाओं ने सिमुक, गौतीपुत्र, सत्कर्णी, पुलचर्मी और शालीवाहन है, ये जो हैं ये सब राजाओं ने आंध्र रीजन का स्थापना करी, जो कि आप अमरावती इसका मेन केंद्र था, है ना, और उसको आंध्र एम्पायर जो आंध्र प्रदेश आज बोलते हैं वो वाली चीज़ें आपकी इसी समय हुई। अब आप बोलोगे अजंता का क्या हुआ, तो अजंता को हमने क्यों सातवाहन पीरियड में रहते हैं, क्योंकि वो एरिया इसके अंदर आता है ना। मौर्य पीरियड से ही शुरू हो गया था वैसे, 200 BC से ही सबसे पुरानी ये 13 पुरानी सबसे मानी जाती है 9-8 की जो गुफा चित्रण, ये सब इसी समय हुई है, ये सब आपको कहीं कहीं आंध्र पीरियड में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, उसके बाद यही आंध्र राजाओं ने इन गुफाओं का भी निर्माण कराया। ये भी इसी एरिया में है, भाजे, कोंडवाना, पीटलकोरा, इसमें मूर्तियाँ भी प्राप्त है, इसमें पेंटिंग्स भी हुई है, और है ना एक तरह से रॉक कट आर्किटेक्चर भी है। तीनों चीज़ें जो की होती है वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आंध्र पीरियड में कवर कर लेनी है, ये सारे काम इन्हें करवाया। धीरे धीरे राजा बन रहे तो बिल्कुल अपने सहूलियत के अनुसार से करेंगे ना काम, है ना, पूजा धर्म के लिए हो चाहे भिक्षुकों के लिए बनवा रहे हो, पर काम करवा रहे थे। वैसे स्तूप बनाने की प्रक्रिया भी जारी रही, उधर उन्हें सांची बरहुत के जिस तरह से स्तूप बने, तो यहाँ पे अमरावती नागार्जुन कोंडा के वो बने। और नागार्जुन कौन, बुद्ध के बहुत बड़े एक तरह से फॉलोअर थे, और उन्हीं के उस पर उस जगह का भी नाम है, और वहाँ पे भी स्तूप का निर्माण हुआ गया है, ठीक है। तो ये हमारी कहानी आ गई थी हमारी, जहाँ तक हम लोग शुंग सातवाहन पीरियड तक आ चुके हैं। अब हम जाते हैं कि ये क्या बात है। अब देखिए जो अब देखिए जब यहाँ शुंग पीरियड और कहेंगे शुंग पीरियड यहाँ चल रहा है, आंध्र पीरियड है ना, मौर्य बहुत पावरफुल एम्पायर था, इतना आसान नहीं था सब चीज़ बदलना, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से डल हो गए थे। तो इस समय बहुत आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण, पर्शी आक्रमण, ये सब हुआ। तो एक राजा थे, राजा कुजाला, कौन थे, राजा कुजाला, इन्हें जो है मथुरा गंधार पे अपना क्या बोलते हैं आक्रमण किया, गंधार पेशावर राजधानी बनाई और कुषाण काल की स्थापना करी, कुषाण काल की स्थापना करी। फिर जो है उसके जो राजा थे मुख्य मेन, जिनको हम जानते हैं कनिष्क के नाम से, किनको नाम से, कनिष्क के नाम से, उनने और विस्तार किया, मथुरा को भी अपने केंद्र में जोड़ा, और कुषाण काल इस तरह से कहलाता है। कहते हैं कुषाण काल पहली शताब्दी से शुरू हुआ था, उस समय इन्हें आक्रमण किया था, लेकिन वो उसका एक्सक्यूशन 5वीं और इवन 6वीं शताब्दी तक मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं कनिष्क की। कनिष्क ने जिस तरह से अशोक एक तरह से, उसी तरह से कनिष्क भी, इनने भी बुद्धिज्म को अपनाया था। बात आती है शक कैलेंडर की, है ना, जो कि कैलेंडर आप एक विक्रम संवत है, एक शक जो है वो उसकी स्थापना कहते हैं कनिष्क के द्वारा हुई गई थी। कहीं जगह कहा जाता है कि जो शक सत्कर्णी जो हम सातवाहन युग में कह रहे हैं उन राजाओं ने की थी, है ना। तो उसमें कहीं क्या होता है कहीं क्या, वो अब हिस्ट्री है, हु नोस, है ना। तो ये गंधार मथुरा इसके मुख्य केंद्र हो गए आपके कुषाण पीरियड के। यहाँ पे क्या हुआ, अब इस समय बुद्ध की मानव निर्मित मूर्तियाँ बनाने लगे। हीनयान, अभी तक जो सेक्ट था वो हीनयान था, जो बुद्ध को एक सिंबॉलिक फॉर्म में पूज रहे थे, वो है ना, बुद्धिज्म चल रहा है भैया, है ना, जब महापरिनिर्वाण के बाद फॉलोअर्स हो रहे हैं, चाहे गुफाओं का निर्माण किया इनने, ये सब चीज़ें इस समय चल रही है, ठीक है। तो उनको अभी तक सिंबॉलिक फॉर्म में पूज रहे थे, लेकिन अब उनको महायान सेक्ट आया जब उनको उनने बुद्ध को एक ह्यूमन फॉर्म में पूज लिया, ठीक है। तो ह्यूमन फॉर्म में पूजा, मानव निर्मित नाम में पूजा, तो उनकी मूर्ति बनने लगी। उसी प्रकार से मूर्तियाँ मिली, जैसे गंधार में क्या है, तो बौद्ध बोधिसत्व की मूर्तियाँ मिली है, कनिष्क की भी मूर्ति है, और है ना बाल भिक्षु की भी मूर्ति है, जैसे कि जो जिसको उनने फ्रायर लाला ने
कनिष्क को गिफ्ट की थी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही मथुरा में भी है पत्थर और धातु की मूर्तियाँ, धातु से भी निर्मित मूर्तियाँ हैं, कनिष्क की बिना हेड वाली मूर्ति भी है, ऐसी बहुत चीज़ें। कासेट्स हैं, कासेट्स आप समझते हो जैसे कि ऐसा सिलेंडर फॉर्म में जो होता है वो है, उसमें भी अच्छी सी कार्विंग करी गई है, वो सब मेटल धातु की बनी हुई है ना, कनिष्क के कासेट हैं। ऐसे बहुत चीज़ें हमें कुषाण पीरियड में अब मिलने लग गई, और बहुत उत्कृष्ट कार्य में जो मूर्ति भी आप देखोगे तो आज भी आप देख सकते हो मथुरा गुंदा कि कितने प्रॉपरली, जो हम यूनान का समय याद करो, यूनान इफेक्ट है इसमें, है ना, क्योंकि यूनान का पीछे अभी मैंने बताया कि पहले आक्रमण हुआ था, तो उसका इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है। तो जैसे यूनान के समय एकदम परफेक्ट बॉडी वाली शानदार मूर्तियाँ थी ना, वैसी अब इस समय का अपना भारत में भी ऐसा समय आ चुका है ना, और बिल्कुल हिला दिया इन लोगों ने भारतीय मूर्ति कला को इस समय, है ना। लेकिन पेंटिंग में भी देखेंगे तो बोलते हैं कि 500 तक अजंता की गुफा भी बनके तैयार हो गई थी, मोस्टली गुफाएं बनके तैयार हो गई थी, तो इसलिए ये वाली चीज़ों को हम कुषाण पीरियड में भी आती हैं और गुप्त पीरियड में भी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें है कि इस समय इनकी गुफा चित्रण और ये हुआ था। अब आता है नया युग, नया युग क्यों लिया इसको गुप्त पीरियड, इसको क्यों बाकी कुषाण से अलग लिया, बुद्ध पीरियड से अलग लिया, क्यों अलग लिया, क्योंकि अब क्या हुआ था, अब जो है अभी तक हम लोग जिन बुद्ध को, अब बुद्ध का मानव निरपेक्ष फॉर्म आ गया, महायान सेक्ट आ गया, तो एक तरह से अब हिंदू ने बुद्ध को कैसे अपना लिया था, उन्हें ये समझ लिया था कि ये विष्णु के ही अवतार थे, है ना, और ये समझ के अब एक हिंदू चीज़ें जो डाउन हो गई थी ना वो बहुत उठ गई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ अब देखिए चीज़ें बहुत बिखर सी गई है, इनस्टेबिलिटी आ गई, जिसका जो मन आ रहा है वो करेगा, क्यों, क्योंकि मौर्य पीरियड बहुत स्ट्रांग था, मैंने आपको बताया वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अब बिखर गई थी चीज़ें। कुषाण पीरियड चल रहा था, शुंग पीरियड चल रहा था, और यहाँ सातवाहन थे, और भी छोटी छोटी जगह पे बहुत चीज़ें थी। तो अब क्या हुआ, एक महान, कौन महान, चंद्रगुप्त प्रथम, इनने है गुप्त पीरियड की स्थापना करी, चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही, चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं, गुप्त पीरियड की स्थापना करी इनने, और सनातन धर्मी थे तो बिल्कुल विष्णु शिव इनको, इनकी पूजा करते थे, और इसलिए इनकी बहुत प्रतिमाएं यहाँ पे आपको मिलने को मिलेगी, विष्णु की शिवलिंग, पार्वती का शीश, ये सब चीज़ें। लेकिन सनातन धर्मी थे, लेकिन सेम कनिष्क और अशोक जैसे विरोधी नहीं थे, तो इसलिए बुद्ध प्रतिमाएं भी बहुत बढ़िया मिली, और यही चीज़ें आप आगे बढ़ती गई, ठीक है। स्तूपों का भी निर्माण हुआ, चौकंडी, धर्मराज का, दमेक, इस प्रकार के स्तूप और स्तूप निर्माण हुआ, लेकिन क्योंकि सनातन धर्मी थे तो मंदिरों को भी बनवाना, तो इस तरह से मंदिर बने, शवतार मंदिर है, नडियाल मंदिर है, है ना, ये सारे मंदिर कुछ कुछ उस एरिया में बनने लगे, मथुरा सारनाथ एरिया में, है ना, दशवकर यूपी में, इस तरह की जगह जो है ये यहाँ पे आप बनाने लगे। अब आते हैं गुप्त पीरियड में अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ, और गुप्त पीरियड में ही बाघ गुफा, ये भी बहुत भिक्षुओं के नहीं बनाई गई है, तो ये गुफाओं को भी आपको इसमें देख लेना है, इसकी चित्रण देख लेना है, कितनी गुफाएं थी, 9 गुफा 30 गुफाएं, और कैसा टाइम, ये सब समय ये देना है। मैंने इसको गुफा नंबर 1 और 2 को इसमें इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि माना जाता है कि वो चालुक्य तक थी, वो 600-623 एडी तक बन के तैयार हुई, ठीक है, तो उस समय की चीज़ हम चालुक्य में देखेंगे। ये था गुप्त पीरियड जो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने बसाया था, स्ट्रांग हो गया था ये भी काफ़ी, जैसे कि मौर्य था, ठीक है। अब जब है मेडिवियल पीरियड, जिसको आप कह रहे हो पूर्व मध्य पीरियड, क्या है, तो इनको हमने देख लो मोटे तौर पे इतनी उस पर भागा गया है, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, पाल, सेन। अब ये क्या कहानी थी इसके बाद में फिर से बात करते हैं, है ना, 2 मिनट आप इसको देखो। हम बात करते हैं गुप्त पीरियड की, गुप्त पीरियड में क्या हुआ था, सब चीज़ें बहुत स्ट्रांग फिर हो गई थी उनका पावर, लेकिन फिर धीरे धीरे स्ट्रांग हो गया था, है ना, मूर्ति निर्माण करी, मेटल मूर्ति भी करी सुल्तानगंज में, गुप्त बुद्ध की मूर्ति जैसी, ये सब गुप्त पीरियड की चीज़ें, है ना, मंदिर वंदिर सब आ गए। अब चीज़ें अनस्टेबिलिटी होने लगी, है ना, जब उनका डाउनफॉल होने लगा तब भी क्या हुआ, फिर अलग अलग बिखर गए लोग, अलग अलग अपना चले गए, और कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रिलीजन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है एक तरह से, किसको क्या करना है, जो कि अंधकार युग, आप वेस्ट में याद करो कैसे हम लोगों ने उसको समझा था कि अंधकार युग है, भाई नहीं समझ आ रहा है कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी शैलियाँ सामने आ गई, बताया था ना, रोमनस्क के समय बताया था जैसे, तो यही चीज़ें आपको इसमें देखनी है कि जब
गुप्त पीरियड डाउनफॉल पे आया तो हर्षवर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन राजा ने वो बनाई और फिर उसने ऐसे तीन भाग में डिवाइड कर दिया। एक था चालुक्य, है ना, जो कि साउथ में था, फिर थे पाल और सेन, ये इस चीज़ में आएंगे डिवाइड कर दिया। एक बार देखो फिर से एक बार मैप में देखिए इनने क्या किया। चालुक्य की ये एरिया था आईहोल कर्नाटक का एरिया, ठीक है, सॉरी ये एरिया पूरा है ना, और ये था पाल डायनेस्टी और सेन क्या थी वो समझाते हैं। तो आप सबसे पहले आ जाओ चालुक्य पे, जो कि पुलकेशिन प्रथम कीर्तिवर्मन इनने इसको बनाया था, चालुक्य की स्थापना करी थी। आईहोल कर्नाटक इनका क्षेत्र है। अब इनको भी समझ नहीं आता भाई, बिल्कुल बुद्धिज्म को भी फॉलो किए लेकिन अब हिंदू धर्म चल रहा है तो अब मंदिर निर्माण करने जरूरी है। तो लड़खन टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, मेघूती आखिरी टेम्पल कहा जाता है चालुक्य का, ये इन्हें चालुक्य वंश में ये वाले कार्य करें, है ना, ये वाली चीज़ बनाई। लड़खन टेम्पल इनका फ्लैट सरफेस ऐसे इस प्रकार के थोड़े नॉर्मल मंदिर इस समय बने। साथ ही साथ बादामी की गुफा मंडप बनवाए हैं ना, अजंता की एक दो ये वाली चीज़ भी इसमें आती है, तो बादामी भी आपको इसमें देख लेना है। ये चीज़ थी चालुक्य एम्पायर ने जो किया कार्य। उसके बाद आते हैं हम पल्लव। पल्लव को जीतने वाले कौन? चालुक्य जीतने वाले पल्लव। पल्लव ने अपना एम्पायर कहाँ पर दिया? देखो ये चालुक्य ने की पहले पूरी इधर जन्मी थी, ये पल्लव एरिया, मतलब ये कौन सा एरिया, सॉरी ये प्रतिहारा है, इधर है पल्लव एरिया आता है आपका महाबलीपुरम, तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो ये, सॉरी वो गलती से दिख गया, ये जो है तमिलनाडु वाला क्षेत्र आपका पल्लव एरिया, महाबलीपुरम इस जगह को राजधानी बनाई और यहाँ पे जीते पल्लव राजा। अब इनने क्या किया? इनने बहुत मस्त बहुत बढ़िया कार्य किया महाबलीपुरम में। सप्तरथ, गंगा रथ, ये रॉकेट आर्किटेक्चर हैं, पत्थर को तोड़ के रथों की स्थापना करी, रथ जैसे बने मंदिर। अब बोलोगे सप्तरथ आपको याद है, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, ये तो ये कोई इसका कोई कनेक्शन महाभारत से नहीं है। इस समय महाभारत बहुत प्रचलन थी और इस तरह के सात रथ बनाए थे तो इसलिए इसका नामकरण इन्होंने ये कर दिया था, है ना, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। गंगा अवतरण क्या है? तो ये जो यही महाबलीपुर एरिया में चार तरह के आर्किटेक्चर पाए जाते हैं, बेस रिलीफ है, कट इन आर्किटेक्चर, कट आउट आर्किटेक्चर और एक चीज़ है मनी स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर, है ना, जो पूरा है जो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर, तो ये सप्तरथ वाले, ठीक है। तो यही चीज़ों में गंगा अवतरण है एक बेस रिलीफ आर्किटेक्चर, ऐसा लगता है कि गंगा भागीरथ के समय वाली जो कहानी वो वहाँ पे वो ऐसे दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी पल्लव राजवंश जो कि कहाँ पे महाबलीपुरम में आ गए थे, है ना, इनने राष्ट्रकूट को हराया था, सॉरी चालुक्य को हराया था। और इसी फिर जो एलोरा धारापुरी एरिया है इस एरिया में कांति दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना कर दी थी, ये भी चालुक्यों को हरा के राष्ट्रकूट की स्थापना करी थी। इसमें मुख्य है एलोरा एलिफेंटा, आपको ये सब हिंदू धर्म की चीज़ चल रही है, कैलाशनाथ मंदिर यहाँ का फेमस, ये वो मंदिर है, ये मैंने किसी और का चुराया है, मैंने खुद ने सुना था कि जिसे जिन्हें पत्थरों से जोड़ कर नहीं पत्थरों को तोड़ के बनाया गया, ये वो मंदिर है, ठीक है, याद रखने के लिए। आप याद है मोनोलिथिक स्कल्पचर बिल्कुल अपनी, और यहीं पे सब रावण जटायु ये इस तरह की रावण कैलाश मंदिर हिलाते हुए ये सब मूर्तिकलाएँ हैं जिनको बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ एलिफेंटा की गुफा, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली है वो सब आ जाता है आपका राष्ट्रकूट में। अब आते हैं हम लोग के पाल क्या था। अब देखो आपको मैंने बताया हर्षवर्धन डायनेस्टी के समय इनने चीज़ें अनस्टेबिलिटी हो गई थी, है ना, तो वहीं पे बहुत एक कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि बंगाल बिहार के उधर की जगह थी। तो यहाँ पे एक आम इंसान गोपाल को इन लोगों ने अपना राजा बना लिया था और उसी ने पाल वंश की स्थापना करी थी। तो ये पाल वंश की स्थापना हो गई इस समय, कहाँ पे था? बंगाल, बिहार, नेपाल, नालंदा, इस जगह पे है। अब पाल के समय क्या हुआ? तो जो ये महीपाल है इनके समय पोथी चित्रण बहुत बढ़िया हुआ है ना, गोरपाल के बेटे धर्मपाल, देवपाल, इन समय क्या है अवलोकितेश्वर बुद्ध, इनकी मूर्तियाँ देखनी है आपको, धातु में देखनी है, पत्थर में देखनी है, अष्ट धातु, इन सब में आपको ये वाली मूर्ति पढ़नी है। साथ ही साथ वास्तुकला में स्तूप चैत्य बने गए हैं नालंदा में, बंगाल, नेपाल में, ये चीज़ें आपको इसके अंदर देख लेनी है। ये था हमारा पाल एम्पायर। लेकिन अब सेन एम्पायर क्या है? सेन एम्पायर इन सबसे अलग थे, जो ऊपर हमने गुप्त, मौर्य, चालुक्य इनको भी देखा, ये थे बिल्कुल सनातन धर्मी और ये बुद्ध के विरोधी भी थे, है ना, इनको नहीं मंजूर था, इनको बस ये था कि, है ना, तो इसके सामंत सेन ने इनकी स्थापना करी थी। कैसे हुई थी स्थापना इसकी भी, तो एक बार फिर से देखो कि यहाँ पे मैं आप पीछे मैप में नहीं जा रही, ये पाल राजवंश था,
पाल राजवंश जो था बिहार में उसमें चालुक्य, उस समय चालुक्य भी था इधर, तो चालुक्य ने क्या किया इन पे आक्रमण किया। तो चालुक्य के एक सेनापति थे सामंत सेन, और ये जैसे कि पुष्यमित्र शुंग थे ना, सामंत सेन ने क्या किया उत्तरी ओडिशा की जगह पे, उत्तर ओडिशा जो काशीपुरी ये क्षेत्र है उस जगह पे अपनी राजधानी बना ली और सेन एम्पायर का इतने स्थापना करी थी। सेन एम्पायर की स्थापना करने के बाद फिर इनने पाल को भी जीत लिया था और ये कंप्लीट सेन एम्पायर यहाँ तक आ गया था। तो ये वाली चीज़ ये है। और इस समय जो कलाकृतियाँ बनी मोस्टली सब हिंदू धर्म पे है, शिव नारेश्वर की, पार्वती, विष्णु, आप ये सब आप देखना डिटेल में, वो सारी चीज़ें इसमें हमारी सेन एम्पायर में आ जाती है। अब जो हमारा आएगा वो हमारा होगा मध्यकाल। मध्यकाल मतलब अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, अकबर आएगा, है ना। और पेंटिंग्स में कितना परिवर्तन आया, कहाँ हम आर्किटेक्चर मंदिर कहाँ से कहाँ चले गए, ये सभी चीज़ें, मंदिर कैसे रॉक कट आर्किटेक्चर से किस तरह से बहुत बड़े गोपुराज और गोपुराज विमान और किस तरह से अलग अलग चीज़ें, शिखर बड़े बड़े, ये सब चीज़ें आपको प्री मेडिवल पीरियड में देखने को मिलेगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे पता है कि गुस्सा कर रहे होंगे जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं कि क्यों कहानी को आधा छोड़ दिया। आधा इसलिए छोड़ दिया बिकॉज क्योंकि इंडियन आर्ट है, इतना छोटी मोटी बात नहीं है, और एक वीडियो में कंप्लीट करना जैसे कि वेस्टर्न को कर लिया था वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक वीडियो और लगेगी कहानी को कंप्लीट करने में। और याद रखिए, ये कहानी का मेन पार्ट अब आना है, क्लाइमेक्स अब आना है, जब मेडिवल पीरियड आएगा, अलाउद्दीन खिलजी का युग आएगा, महाराणा प्रताप आएंगे और अकबर आएंगे, औरंगजेब आएंगे, साथ ही साथ इन्हीं के साथ साथ ब्रिटिशर्स भी आएंगे, लेकिन उन्हीं के सेना के ईवी हेवल लेडी अरिंगम मिलके हमारे बंगाल स्कूल की स्थापना करवाएंगे, और वहीं से जो कलाकार निकलेंगे वो आगे जाके क्या धूम मचा देंगे पूरी भारतीय कला में, वो देखने लायक होगा, वो कहानी देखने लायक होगी। उम्मीद है पसंद आए। लेकिन एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सेकेंड वीडियो आने से पहले पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मुझे भी लगे कि ये छोटी सी मेहनत मेरी सफल हो गई, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, गुड बाय। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।